जनूबी पंजाब में भी कागजाते नामजदगी जमा होने का सिलसिला खत्म होने के बाद कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है। आज कागजात की जांच पड़ताल का दूसरा रोज है। कागजात की जांच पड़ताल 19 जून तक जारी रहेगी। कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ 22 जून तक अपील दायर की जा सकेगी। 30 जून को उम्मीदवारों के हतमी फेरिस्ते आवेजा की जाएंगी। अहम खबर से आगाह करें आपको इलेक्शन 2018 के हवाले से। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी कागजाते नामजदगी जमा होने का सिलसिला खत्म होने के बाद कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो गया है। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं। मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक और डीजे खान से मौजूद है शेर अफगन। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मुल्तान का जो हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। अमजद मलिक आगाह कीजिएगा मुल्तान की क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान के अंदर भी जो कागजात नामजदगी जो फॉर्म थे जमा होने के बाद अब जांच पड़ताल का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। आज जांच पड़ताल अमल का जो शुरू होने का दिन है, दूसरा रोज है और जितने उम्मीदवार हैं जिन पे एतराजात लगाए गए हैं और जिनके कागजात नामजदगी है उनकी जाँच पड़ताल का जो मरहला है वो जारी है। और इस वक्त जो NA 154 है यहाँ से जो अगर बात करते हैं तो खालिद जवेद वड़ैच जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, इनके जो कागजात हैं वो दुरुस्त कर दिए गए हैं। जबकि जो हाजी सिकंदर याद खान बोसन साबिक वफाकी वजीर हैं, इसके अलावा अली हैदर गिलानी हैं, इनको दोबारा तलब किया गया है रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से कि आपने दोबारा आना है। और इसके अलावा जो साबिक MP हैं शहजाद मकबूल भुट्टा, उनका भी 2008 की कोई डिग्री का इशू चल रहा है जिसकी वजह से उनका एतराज की वजह से उनको भी आज तलब किया गया है। वो भी आज यहाँ पे NA 154 के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनके पास तलब होंगे। इसके बाद अगर बात करते हैं कौमी असेंबली का हल्का है NA 155, यहाँ से कल शेख तारिक जिनकी डिग्री का जो इशू चल रहा है कि उन्होंने मैट्रिक जो है 2018 में क्लियर की है जबकि जो BA है वो 2008 के अंदर, तो उसका उनके लिए उस हवाले से भी जो कागजात नामजदगी हैं उनके एतराजात लगाए गए थे मुस्तरद कर गए थे आज वो भी आएंगे अपने कागजात के हवाले से। इसके अलावा NA 156 राणा शाहिदुल हसन, वो अपने जांच पड़ताल कागजात की जांच पड़ताल के हवाले से आज रिटर्निंग ऑफिसर जो है NA 156 के अंदर आएंगे। अगर बात करते हैं NA 155 की तो यहाँ से जो गवर्नर पंजाब है इनके साहबजादे हैं आसिफ रफीक रजवाना, इनके जो कागजात हैं इनकी भी जाँच पड़ताल हो गई। इसके अलावा मलिक आमिर डोगर हैं, मलिक लियाकत डोगर और शेख तारिक रशीद, इन तमाम की जो कागजात की जो जाँच पड़ताल है वो हो चुकी है। अगर बात करते हैं NA 157 की तो आज इस हलके की भी जांच पड़ताल की जाएगी। जबकि अगर सुबह हलकों की बात करते हैं तो PP 211 से लेकर PP 223 PP 219 तक जो है वो मुल्तान के अंदर, और इसके अलावा जो चार सुबह हलके हैं वो मुल्तान की तहसील, दो शुजाबाद के अंदर है और दो जलालपुर पीरवाला के अंदर। अगर हम बात करते हैं PP 211 की तो यहाँ पे भी जांच पड़ताल का जो अमल है वो जारी है और कल अली हैदर गिलानी को इतराजात जो थे वो लगाए गए थे। आज उम्मीद जाहिर की जा रही है कि अली हैदर गिलानी भी और अपने एतराजात जो है उनका सामना करेंगे। PP 212 यहां से भी जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए थे आज उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। PP 215 जो है वहां से भी जो कागजात नामजदगी का जो मरहला है जो खत्म हो चुका है उसके बाद जो जांच पड़ताल का अमल है वो जारी है। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जांच पड़ताल का जो सिलसिला है इसी तरह 9 जून तक जारी रहेगा। जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी जांच पड़ताल के जहां पे की जाएगी, उसके अलावा जो कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ जो 22 जून तक अपीलें हैं वो दायर की जा सकती हैं। उसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स है मौजूदा ट्रिब्यूनल जो कि उम्मीदवारों का और जितने भी हलकों का वो अपने 27 जून तक तमाम फैसले है वो सुना देगा। उसके बाद 30 जून तक जो उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त है वो आवेजा कर दी जाएगी और आवेजा कर दी जाएगी। अमजद मलिक आप हमारे साथ ही रहिएगा, रुक कर लेते डीजी खान का मजीद जानते शेर अफगन से। शेर अफगन आगाह कीजिएगा डीजी खान की क्या सूरत हाल है। डेरा गाजी खान में भी जो उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के 4 हलकों के और सूबाई असम्बली के 8 हलकों के, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी के हवाले से जो जांच पड़ताल है वो जारी है। रिटर्निंग अफसरान उन्होंने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उन्होंने उनको तलब कर रखा है। कल भी यहाँ पर बड़ी तादाद में उम्मीदवार आए थे, उन्होंने अपने कागजात की जो जाँच पड़ताल है वो यहाँ पर मुकम्मल कराई थी और वो उनको वक्ती तौर पर क्लियर करार दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो यहाँ पर जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनको ये कहकर वापस भेज रहे हैं कि नैब या जो दूसरे इदारे हैं उनकी तरफ से FBR है, कोई भी इतराजात की सूरत में उनको दोबारा वापस बुलाया जा सकता है। इसके अलावा उनको ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल किसी भी मुखालिफ उम्मीदवार की जानिब से किसी दूसरे उम्मीदवार पर ताहाल कोई इतराजात जो हैं वो नहीं लगाए गए। तो यही कहा जा रहा है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो अब 19 जून तक इतराजात भी लगा सकते हैं और
और इस हवाले से जो लिस्ट है वो 19 जून को भी अवेजा ही कर दी जाएंगी जिन जिन उम्मीदवारों पर इतराजात होंगे। कल यहाँ पर बड़ी तादाद में उम्मीदवार आए थे, उन्होंने अपने कागजात की जाँच पड़ताल कराई थी। कल जितने भी उम्मीदवार थे वो सारे वक्ती तौर पर क्लियर करार दिए गए थे। उनमें जो अहम नाम है सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, जो कि उन्होंने 289 और 199 के लिए जो है कागजात नामजदगी जो है उनकी जांच पड़ताल कराई और वो क्लियर करार दिए गए। इसी तरह मोहतरमा जरताज गुल, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो भी 191 के लिए अपने कागजात नामजदगी के हवाले से जांच पड़ताल के लिए जो रिटर्निंग अफसर है उनके रूबरू पेश हुई, उनके कागजात पर भी फिलहाल। आप हमें अपडेट कर रहे थे डीजी खान का। अमजद मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे मुल्तान से।